सो वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू 1 मिलियन गैजेट्स। तो गाइज आज का कंपेरिजन होने वाला है माइक्रोमैक्स इन नोट 1 एंड रियलमी 7i के बीच में। बट इससे पहले मैंने और एक कैमरा कंपेरिजन वीडियो डाला था जहाँ पर मैंने माइक्रोमैक्स इन नोट 1 के साथ रेडमी नोट 9 को कंपेयर किया था, एंड उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे है। पहले इस वीडियो को देख लो, फिर उस वीडियो को जाके देख लेना। एनीवे गाइस, कैमरा कंपेरिजन शुरू करने से पहले जो कैमरा का स्पेसिफिकेशन है वो हम देख लेते हैं। माइक्रोमैक्स की बात किया जाए तो पीछे आपको 4 सेंसर्स देखने को मिल जाती है। जो प्राइमरी सेंसर है वो है 48 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी आपको 5 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाएगा, दो आपको 2 मेगापिक्सल का अननेसेसरी सेंसर देखने को मिलती है, एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है एंड एक सेकेंडरी 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है। Realme में भी आपको 4 सेंसर्स देखने को मिल जाती है। जो प्राइमरी सेंसर है वो है 64 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी आपको एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाती है। इवन इसमें भी दो अननेसेसरी 2 मेगापिक्सल का सेंसर है, एक है बी एंड डब्ल्यू सेंसर मतलब ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर, एंड एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस भी है। ना फ्रंट कैमरा का मेगापिक्सल दोनों में सेम ही है, 16 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी शूटर देखने को मिल जाती है। तो गाइज यहाँ पर कैमरा कंपेरिजन शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने हर एक सैंपल को AI टर्न ऑफ करके लिया है, क्योंकि AI ज़्यादातर सिचुएशन में आर्टिफिशियल कलर प्रोड्यूस करता है, तो बेहतर होगा कि AI टर्न ऑफ करके लिया जाए, तो ये जो कंपेरिजन है ये जस्टिफाइड होगा, आई थिंक सो। तो पहले हम कुछ डेलाइट सैंपल्स देख लेते हैं। रियलमी का जो कलर्स है वो आपको डेलाइट में स्लाइटली पंची कलर देखने को मिलेगा, वेयर इज माइक्रोमैक्स का जो कलर रहता है वो बहुत ही नेचुरल रहता है और बताया जाए तो ट्रू टू लाइफ रहता है। Whereas Realme में आपको स्लाइटली बेटर डायनेमिक रेंज एंड बेटर HDR परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, बट Realme का जो HDR है वो कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव है। इमेज में अगर कोई भी डार्क पोर्शन रहे और शेडो पोर्शन रहे उसको भी वो ब्राइट बनाने का कोशिश करता है और ओवरऑल इमेज में एक बैलेंस एक्सपोजर रखने का कोशिश करता है। लाइक इस इमेज में आप देख सकते हो, इसको मैंने इनडोर से लिया था, बाहर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है बट इसने इंडोर को भी बहुत ज़्यादा ब्राइट में कन्वर्ट किया है। पर इस माइक्रोमैक्स की इमेज में आप देख सकते हो इंडोर जो डार्क था वो डार्क है एंड आउटडोर ब्राइट है, मतलब माइक्रोमैक्स का जो इमेज है वो ट्रू टू लाइफ है और नेचुरल है। नो रियलमी का ये जो एग्रेसिव HDR है और ये जो पंची कलर है वो देखने में तो बहुत ही सही लगता है, आप डायरेक्टली इसे सोशल मीडिया में अपलोड कर सकते हो। वट इज़ माइक्रोमैक्स का इमेज थोड़ा सा फ्लैट रहता है, जो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है एडिटिंग करने का, जो मेरे को पर्सनली बहुत ही सही लगता है। ना माइक्रोमैक्स में भी एक प्रॉब्लम है, माइक्रोमैक्स में जो HDR है उतना सही तरीके से परफॉर्म नहीं करता। लाइक कुछ सिचुएशन में जहाँ पर ब्राइट लाइट रहता है उसको सही तरीके से एक्सपोज नहीं कर पाता, और बताया जाए तो जो HDR है उतना एग्रेसिवली काम नहीं करता है। लाइक इस सैम्पल में आप देख सकते हो रियलमी ने स्काई को अच्छे तरीके से एक्सपोज किया है, सन भी विजिबल है, बट इस माइक्रोमैक्स की इमेज में आप देख सकते हो स्काई थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हो गया है और जो सन है वो भी उतना क्लियरली विजिबल नहीं है। अब यहाँ पर दोनों के अल्ट्रा वाइड लेंस को कंपेयर कर लेते हैं, कुछ डेलाइट सैंपल्स देख लेते हैं। एंड भाई अल्ट्रा वाइड लेंस में रियलमी क्लियर विनर है। एक तो इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलती है, वेयर एज 5 मेगापिक्सल का सेंसर है माइक्रोमैक्स में। सो यहाँ पर डिटेलिंग तो ऑब्वियसली आपको रियलमी में बेहतर मिलेगा, एंड ऊपर से जो फील्ड ऑफ व्यू है आपको रियलमी में ज़्यादा एरिया देखने को मिलेगा, वेयर एज माइक्रोमैक्स उतना ज़्यादा वाइड नहीं है एज़ कम्पेयर टू रियलमी। एंड रियलमी में अगेन आपको वाइड एंगल लेंस में भी बेहतर HDR परफॉर्मेंस, बेहतर डायनेमिक रेंज देखने को मिलती है, बट जो कलर है वो थोड़ा सा पंची है, वेयर एज माइक्रोमैक्स का कलर आपको नेचुरल देखने को मिलेगा, बट माइक्रोमैक्स की इमेज में आपको थोड़ा सा फॉगी टाइप का इफेक्ट देखने को मिलती है। इवन क्वालिटी भी उतना कुछ खास नहीं है, एंड माइक्रोमैक्स का वाइड एंगल लेंस में भाई HDR परफॉर्मेंस बहुत ही घटिया है। आप देख सकते हो जो ब्राइट पोर्शन है इस इमेज में वो तो भाई एकदम ओवर एक्सपोज हो गया है, ब्लोन आउट हो गया है, एंड भाई माइक्रोमैक्स को अपडेट पुश करना ज़रूरी है इन वाइड एंगल लेंस, एंड माइक्रोमैक्स शुड फिक्स दिस। भाई माइक्रोमैक्स के वाइड एंगल लेंस में और एक प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन देखने को मिलती है, मिडिल में डिस्टॉर्शन नहीं है बट जितना आप एजेस में एंड साइड में मूव करोगे उतना आपको ज़्यादा डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। लाइक इस इमेज में आप देख सकते हो जो बिल्डिंग का लाइन है उतना स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा बेंड हो गया है, बट एज रियलमी में आपको स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है। अब चलो थोड़ा सा जूम करके डिटेलिंग भी देख लेते हैं। ऑन पेपर बताया जाए तो रियलमी में है प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का, एंड माइक्रोमैक्स का है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर। सो ऑन पेपर देखा जाए तो रियलमी का क्वालिटी बेहतर होने वाला है एंड माइक्रोमैक्स का थोड़ा सा कम होने वाला है,
एंड वह रियल लाइफ परफॉर्मेंस में भी वही सही है। आपको रियलमी में बेहतर डिटेलिंग देखने को मिलेगा इन कंपेरिजन टू माइक्रोमैक्स। एंड माइक्रोमैक्स में और एक प्रॉब्लम है, माइक्रोमैक्स की इमेज में अननेसेसरी ओवर शार्पनिंग देखने को मिलती है, जो माइक्रोमैक्स एक सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू इजिली फिक्स कर सकता है। बट अभी के लिए रियलमी में आपको बेटर डिटेलिंग देखने को मिलेगा, और इमेज की बीच में हो या एजेस में हो, आपको बेहतर डिटेलिंग देखने को मिलेगा इन कंपेरिजन टू माइक्रोमैक्स। अब चलो दोनों की फ्रंट कैमरा सैंपल्स भी देख लेते हैं, जिसे हम कहते हैं सेल्फी। दोनों का फ्रंट कैमरा मेगापिक्सल सेम ही है, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलती है। अब डेलाइट सेल्फी को अगर कंपेयर किया जाए तो माइक्रोमैक्स का इमेज बहुत ही नेचुरल है, स्किन टोन भी बहुत ही नेचुरल देखने को मिल रहा है, जो मेरे को बहुत ही सही लगा। बट रियलमी में आपको बहुत ही ज़्यादा अननेचुरल स्किन टोन देखने को मिलती है, बहुत से ज़्यादा ब्राइट स्किन टोन है, इवन जो ओवरऑल इमेज का कलर है वो भी बहुत ही अननेचुरल टाइप का है। बट रियलमी का जो ओवरऑल इमेज है, यहाँ पर एक्सपोजर कंट्रोल बहुत ही सही है, इवन जो HDR का परफॉर्मेंस है, जो डायनेमिक रेंज का परफॉर्मेंस है, वो आपको माइक्रोमैक्स से बेहतर मिलेगा। वर एज माइक्रोमैक्स में वो सेम प्रॉब्लम यहाँ पर भी है। आप देख सकते हो बैकग्राउंड को इसने ओवर एक्सपोज कर दिया है, मतलब जहाँ पर भी ब्राइट लाइट रहता है उसको हैंडल नहीं कर पाता एंड उस सिचुएशन को ओवर एक्सपोज कर देता है। बट एक चीज़ ठीक ठाक है यहाँ पर, कलर ठीक ठाक है एंड इमेज बहुत ही नेचुरल है। अब चलो कुछ पोर्ट्रेट मोड सैंपल्स भी देख लेते हैं। लाइक इस इमेज में आप देख सकते हो माइक्रोमैक्स का स्किन टोन तो बेहतर है, बट माइक्रोमैक्स में पोर्ट्रेट मोड उतना कुछ सही नहीं है। जो एज का कटआउट है आपको रियलमी में बेहतर देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि रियलमी एकदम फैंटास्टिक है पोर्ट्रेट मोड में, वो बिल्कुल भी नहीं है। रियलमी भी कभी कभार हिट और मिस होता है, बट इस सैंपल में आप देख सकते हो रियलमी ने बेहतर परफॉर्म किया है। जो एज का कटआउट है वो बेहतर देखने को मिल रहा है, वर्स माइक्रोमैक्स ने जो वॉच है उसको ब्लर आउट कर दिया है। इस सैंपल में देख सकते हो अगेन माइक्रोमैक्स में सेम प्रॉब्लम है, बैकग्राउंड को पूरा ब्लोन आउट कर दिया है, वेयर एज रियलमी के पोर्ट्रेट मोड में आपको HDR का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छा बात है। इमेज का जो एक्सपोजर कंट्रोल है बहुत ही सही है एंड जो बैकग्राउंड ब्लर है, जो एज डिटेक्शन है, आपको माइक्रोमैक्स से बेहतर देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो रेलिंग का पोर्शन है वो रियलमी ने ब्लर आउट किया है, वेयर एज माइक्रोमैक्स ने उसको ब्लर नहीं किया है। अब चलो कर लेते हैं लो लाइट कंपैरिजन। लो लाइट में अगेन माइक्रोमैक्स में आपको बेहतर कलर देखने को मिलती है, जो डिटेलिंग है वो भी सही है। बट एज रियलमी का कलर आप देख सकते हो थोड़ा सा बूस्टेड कलर देखने को मिलती है, बट रियलमी का जो HDR कंट्रोल है, जो लाइट से उसको सही तरीके से कंट्रोल कर पाता है, वेयर एज माइक्रोमैक्स में वो सेम प्रॉब्लम है, जो ब्राइट लाइट से अगेन आपको थोड़ा सा ओवर एक्सपोज देखने को मिलती है। अब इस सैंपल को तो आप देख सकते हो भाई कौन यहाँ पर बेहतर परफॉर्म किया है, वो भी आपको पता है। यहाँ पर आप देख सकते हो माइक्रोमैक्स में जो ओवर एक्सपोजिंग टेंडेंसी है उसको भाई फिक्स करना है। जो ब्राइट पोर्शन रहता है इमेज में वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो जाता है माइक्रोमैक्स में, एंड रियलमी ने तो भी यहाँ पर जो डिटेलिंग है उसको रिटेन करने का कोशिश किया है, एंड देखते हैं भाई फ्यूचर में माइक्रोमैक्स इसे फिक्स कर पाता है कि नहीं। अब लो लाइट में अल्ट्रा वाइड लेंस की बात किया जाए तो दोनों का अल्ट्रा वाइड लेंस लो लाइट में उतना कुछ खास परफॉर्म नहीं करता है, बट तो भी यहाँ पर रियलमी का यूजेबल है एंड माइक्रोमैक्स का भाई अनयूजेबल है। अब वीडियो में देखकर सही तो लग रहा है, बट रियल लाइफ में मैं कंप्यूटर पर देख रहा हूँ और स्मार्टफोन स्क्रीन में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फॉगी टाइप का है, डिटेलिंग तो बिल्कुल भी नहीं है एंड बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो जाता है। बट एटलीस्ट रियलमी का जो अल्ट्रा वाइड लेंस है वो नाइट पर तो भी यूजेबल है। अब यहाँ पर लो लाइट सेल्फी को कंपेयर किया जाए तो कंपेरिजन सेम ही है, जो स्किन टोन है वो माइक्रोमैक्स में बेहतर है, बट जो एक्सपोजर कंट्रोल है वो रियलमी में बेहतर मिलेगा एंड डिटेलिंग दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही है। अब माइक्रोमैक्स के लिए एक गुड न्यूज़ है, नाइट मोड जो सैंपल्स है वो माइक्रोमैक्स में आपको बेहतर मिलेगा कंपेरिजन टू रियलमी। जो डिटेलिंग है, जो ब्राइटनेस है, वो आपको माइक्रोमैक्स में स्लाइटली बेहतर देखने को मिलती है। नाउ मैक्रो लेंस की बात किया जाए तो दोनों में 2 मेगापिक्सल की मैक्रो लेंस देखने को मिलती है, डिटेलिंग दोनों में सेम टू सेम ही है, कोई भी यहाँ पर डिफरेंस देखने को नहीं मिला है, बट जो कलर है वो माइक्रोमैक्स में बहुत ही नेचुरल है। माइक्रोमैक्स में जब तक आप एक जगह पर स्टेबल रहकर वीडियो रिकॉर्ड करोगे तब तक इसका वीडियो फुटेज ठीक ठाक है, कलर भी ठीक ठाक है, डिटेलिंग बहुत ही सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जब आप 2 पैर पैदल चलना शुरू करोगे तब आपको नोटिसेबल डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई स्टेबलाइजेशन नहीं है। एंड भाई इसमें जो शेक देखने को मिलती है 2020 में 11,000 के फ़ोन में स्टेबलाइजेशन नहीं है, ये भाई बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड भाई लो लाइट नाइट में वीडियो रिकॉर्डिंग भाई नाइट में आ रहा है।
चलो एटलीस्ट लो लाइट में जो फ्रंट कैमरा वीडियो सैंपल है वो रियलमी से बेहतर है। ओके गाइज, तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोनों फोन्स की फ्रंट कैमरा से। ये है माइक्रोमैक्स इन नोट 1 एंड ये है रियलमी 7i। एंड रियलमी 7i की फ्रंट कैमरा में एक बहुत ही अच्छा फीचर है कि आपको स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाती है। एंड भाई माइक्रोमैक्स यूज़र्स के लिए एक बहुत ही अच्छा अपडेट है, माइक्रोमैक्स ने फाइनली फ्रंट कैमरा में फुल HD अपडेट पुश कर दी है एंड अब से हम लोग फुल HD में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। एनीवे, आप लोग जो एक्सपोजर कंट्रोल है, बैकग्राउंड का एक्सपोजर कंट्रोल एंड फोरग्राउंड का एक्सपोजर कंट्रोल दोनों ही चेक कर लो। एंड ऑडियो भी मैं आपको स्विच करके दिखा दूंगा, माइक्रोफोन का जो क्वालिटी है उसको भी चेक कर लेना। थोड़ा सा मैं तेज चल के दिखाता हूँ आपको, स्टेबलाइजेशन भी चेक कर लो। ये वीडियो मैं माइक्रोमैक्स इन नोट 1 की फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड गाइज, इसमें एक प्रॉब्लम मैंने नोटिस किया है, मेजर प्रॉब्लम है। ये जो वीडियो है ये ऑडियो को सिंक नहीं कर रहा भाई, आप देख सकते हो मेरा जो लिप्स है वो लेट मूव हो रहा है एंड जो ऑडियो है वो फास्ट मूव हो रहा है। नोटिस करना, ध्यान से नोटिस करना, ठीक है। ये जो ऑडियो है इसको सिंक नहीं कर पा रहा। आई डोंट नो माइक्रोमैक्स ये सिली मिस्टेक को क्यों कर रहा है, क्योंकि ये ब्रांड इमेज के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। एंड आई होप माइक्रोमैक्स विल फिक्स दिस। ओके, अब चलो कंक्लूशन। रियलमी मार्केट में थोड़ा सा पुराना कंपनी है एंड रियलमी के पीछे बहुत सारे कंपनी का हाथ भी है, लाइक OnePlus, Oppo। सो रियलमी का जो परफॉर्मेंस रहता है वो थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहता है एंड थोड़ा सा पॉलिश परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। बट इज माइक्रोमैक्स अभी कम बैक करना है माइक्रोमैक्स को, थोड़ा सा नया है माइक्रोमैक्स एंड आई होप माइक्रोमैक्स भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स लाएगा अपने डिवाइस में। बहुत सारे अपडेट्स की ज़रूरत है कैमरा सेगमेंट पे, लाइक जो HDR है, जो डायनेमिक रेंज है, जो ओवर शार्पनिंग इशू है, जो वीडियो में स्टेबलाइजेशन है, उन सेगमेंट को अगर माइक्रोमैक्स इम्प्रूव करे तो भाई ये डिवाइस भी बहुत ही सही हो जाएगा। जो कैमरा हार्डवेयर है वो भाई ठीक ठाक है, बट यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड है एंड आई होप माइक्रोमैक्स विल ब्रिंग सम स्टेबल अपडेट एंड दे कैन इजिली कम्पीट विथ रेडमी एंड रियलमी। तो गाइज, देखते हैं फ्यूचर में क्या क्या अपडेट्स देखने को मिलती है। तो गाइज, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड अगर आप इस चैनल में नए हो एंड ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना। एनीवे गाइज, इस वीडियो को हम यहाँ पर खत्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।